करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर वो डालना। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है अपने प्रदेश को संक्रमण से बचाने का। जिस दिन से कोरोना के मामले को लेकर लॉकडाउन किया गया, तब से योगी लगातार काम कर रहे हैं। स्थिति चाहे जैसी भी हो, योगी आदित्यनाथ लगातार अपने लोगों को सुविधाएं पहुंचाने में लगे। कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसको लेकर योगी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। यूपी में सबसे ज्यादा मामले नोएडा से आए। योगी चाहते तो लखनऊ में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात कर सकते थे, आदेश दे सकते थे, लेकिन योगी ने नोएडा आना सही समझा और नोएडा के हवाई सर्वेक्षण के बाद जो उन्होंने अधिकारियों से कहा, वो देश के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए कि सरकार कैसे इस विकट समस्या में कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती। बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहां पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। योगी यही नहीं रुके, डीएम ने कहा कि वो नोएडा में काम अब नहीं करना चाहते, फौरन तबादला कर दिया और नए अधिकारी को कमान दे दी, क्योंकि योगी जानते हैं कि अगर अभी कोताही बरती तो पहले इलाका, फिर समाज और फिर राज्य इसकी चपेट में आ सकता है। इतना ही नहीं, मानवीय योगी का चेहरा देखिए, कहीं से नहीं लगता कि सरकार के मुखिया हैं। वो खुद जब नोएडा पहुंचे तो लोगों को राशन भी बांटा। किसी भी गरीब को इस मुश्किल घड़ी में पैसे की किल्लत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा। तभी तो योगी सरकार ने गरीब मजदूरों के खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। दरअसल मोदी सरकार भी कोरोना को लेकर कोई कोताही नहीं बरतने देना चाहती। वो जानती है कि एक चूक एक बड़ी भूल होगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित नजर आ रही है। उसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, पूरे गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, उसको लेकर के CM पूरे तरीके से सख्त नज़र आ रहे हैं और आज खुद नोएडा पहुँचे हुए हैं, आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय कि CM जो है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अनाज का वितरण कर रहे हैं, राशन का दे रहे हैं और आला अधिकारियों से खड़े होकर मौके पे ये पूछ रहे हैं कि लोगों के क्या हालात हैं, किस तरीके से पुलिस है, चाहे अधिकारी है, चाहे प्रशासनिक अमला है, लोगों से किस तरीके से कांटेक्ट कर रहा है। हर ज़रूरतमंद तक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद पहुँचे, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो लाइनों में लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है और इस समय ग्रेटर नोएडा में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको मुख्यमंत्री खुद अनाज वितरण करके इस समय आप देख सकते हैं कि जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने समीक्षा बैठक की है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी पे, नोएडा के जो हालात हैं कोरोना को लेकर के उस पर काफ़ी सख्त नज़र आए थे CM योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को फटकार भी लगाई है क्योंकि नोएडा में जिस तरीके से मामला कंट्रोल में होना चाहिए था कोरोना को लेकर, उस तरीके से कंट्रोल में नहीं है। तो फिलहाल CM का काफ़िला गरीबों को अनाज वितरण करने के बाद यहां से रवाना होता हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा का दौरा करने के लिए यहाँ पे आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की है। जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है और आला अधिकारियों को CM योगी आदित्यनाथ ने जमकर लताड़ भी लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले और पलायन की जो स्थिति थी, बॉर्डर दिल्ली UP बॉर्डर पर जो स्थिति बनी उसको लेकर कई सारी चीज़ों को लेकर के CM ने आला अधिकारियों के साथ, पुलिस की टीम के साथ, जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और CMO भी उसमें मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे। तो कुल मिलाजुला के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के मामले को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जो कोरोना के पीड़ित लोग हैं या जो इसके लॉकडाउन के वजह से जो लोग परेशान हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से कटिबद्ध हैं और लोगों को हर मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी योजनाएं हैं और जो भी जिस भी तरीके से ज़रूरतमंद को मदद पहुंचाया जा रहा है, ये देखिए आप खाने के पैकेट हैं यहाँ पर, अभी CM खुद अपने हाथों से भी अनाज वितरण के साथ साथ खाने का पैकेट भी है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिए हैं। इसके साथ साथ CM ने कई तरह की अपील भी की है कि
कि कंपनियों से भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का वेतन ना काटा जाए। मकान मालिकों से अपील की है कि जो है उनको किराया माफ़ कर दिया जाए, ताकि वो सीएम का ये कहना है कि इस जो समस्या लॉकडाउन की के वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई है उससे अगर निजात पाना है तो उसमें सबको अपनी भागीदारी देनी होगी, क्योंकि इस समय सबको एक होकर इस कोविड-19 से लड़ना है और लॉकडाउन से जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए सबको अपने अपने तरफ से योगदान देना पड़ेगा। कोविड-19 के संक्रमण को जेलों में रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 23 मार्च को 7 वर्ष से कम सजा प्राप्त कैदियों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसमें उन सभी बंदियों को बेल पर या पेरोल पर छोड़ने के लिए आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा के साथ हमारे डीजी जेल और अपर मुख्य सचिव गृह की जो एक कमेटी है, इन लोगों ने 11,000 से अधिक ऐसे मामले पाए हैं और 11,000 से ऐसे अधिक बंदी जो उत्तर प्रदेश की जेलों में थे उन्हें पेरोल पर या बेल पर देने के लिए निर्णय लिया गया है। जो पेरोल पर दिए जा रहे हैं उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है और जिन्हें बेल दिया जाना है डिस्ट्रिक्ट जज संबंधित जनपद की जेलों में जाकर के उन सबको बेल उपलब्ध कराएंगे। ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से प्रारंभ होने जा रही है। इससे 11,000 से अधिक जो बंदी हैं वे बेल पर या पेरोल पर छूट जाएंगे। प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति के लिए हम लोगों ने पहले ही 11 कमेटियां बनाई हैं, जो प्रदेश की 23 करोड़ जनता या प्रदेश के अंदर रह रहे किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के उन सभी नागरिकों की सुविधा और उन्हें हर प्रकार के यहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो इसका समाधान करने के लिए पहले से ही हमारी ये कमेटियां यहां पर कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिक बहुत बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने अपने नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। कुछ राज्य छूट गए थे जिनको हम लोगों ने कल की सूची जो हमारी जारी हुई थी उसमें वे कवर नहीं हो पाए थे, खासतौर पर उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्य, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ ही दक्षिण में केरल और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। इन राज्यों को भी आज हमने नए नोडल अधिकारी इन सब के लिए तैनात किए हैं। ये नोडल अधिकारी एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर इन राज्यों से जुड़े हुए जो भी नागरिक होंगे उनके बारे में संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक सूचनाएं देने और उनको हर प्रकार से प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या न हो जहां इसकी चिंता करेंगे। वहीं प्रदेश के जो नागरिक इन विभिन्न राज्यों में रहते हैं या नौकरी पेशा करते हैं, किसी रोजी रोजगार के साथ वहां जुड़े हुए थे, लॉकडाउन के कारण उद्योग बंद हुआ है या बंदी के कारण वे वापस आना चाहते हैं, तो उन लोगों की उन राज्यों में ही तात्कालिक रूप से रहने की व्यवस्था और उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर के किसी प्रकार की उन्हें असुविधा न हो इसके बारे में यह नोडल अधिकारीगण कार्य करेंगे। मेरी विनम्र अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से जो प्रदेश में रह रहे हैं और जो प्रदेश के बाहर भी रह रहे हैं कि लॉकडाउन की एक कार्रवाई उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है, क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जो लड़ाई है यह
इस वायरस के संक्रमण से देशवासियों को बचाने के लिए भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा इसे बनाया है और प्रत्येक देशवासी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई थोड़ी भी लापरवाही इस देश में भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हम इटली, स्पेन, ईरान या दुनिया के जिन देशों ने थोड़ी भी लापरवाही बरती है वहाँ का मंचर हम देख सकते हैं, और इसलिए मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कि वे लॉकडाउन की इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करें, जहां हैं वहीं रहें, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुल 14 अप्रैल तक की बात है, 14 अप्रैल तक वे वहीं पर रहें, उनके लिए सारी सुविधाएं संबंधित राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी। भारत सरकार ने इसके लिए एनडीआरएफ में धन की व्यवस्था की है, सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाया है, इसलिए इधर उधर जाने की बजाय, क्योंकि रास्ते में बीमारी भी उनके साथ आ सकती है, इसलिए इस दौरान यात्रा कतई न करें। और अगर उन राज्यों में कोई समस्या आ रही है तो वे हमारे नोडल अधिकारियों को बता दें, ये नोडल अधिकारी उन राज्यों के साथ मिलकर के इनकी सारी सुविधा वहां पर करेगी। ये मेरी विनम्र अपील होगी आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आपके और आपके परिवार के एक सुरक्षित भविष्य के लिए। लॉकडाउन की इस कार्रवाई में आपका पूरा समर्थन इस पूरे अभियान में हमें चाहिए। आपकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और कहीं भी कोई असुविधा नहीं होने देंगे, ये मैं आप सब से भी अपील करूंगा, आप सब से भी अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।